लाडवा रादौर मार्ग पर चल रही कावड़ यात्रा के दौरान कार चालक ने 5 कावड़ियों को कुचला। गुस्साए कावड़ियों ने कार में लगाई आग। लाडवा रादौर मार्ग पर चल रही कावड़ यात्रा के दौरान एक कार चालक ने तेज गति से चलते हुए 5 कावड़ियों को कुचल डाला। कार की टक्कर लगने से 3 कावड़िये बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि 2 को आंशिक रूप से चोट आई। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए कावड़ियों ने कार को सड़क किनारे ही पलट दिया। गुस्साए कावड़ियों ने सड़क किनारे पलटी कार में आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझाया। कावड़ियों को कार चालक द्वारा टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल किए जाने से गुस्साए कावड़ियों ने SK रोड पर जाम लगा दिया। गुस्साए कावड़ियों ने जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। कावड़ियों ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश में कावड़ियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न ही कावड़ियों की सुरक्षा के कोई उचित प्रबंध किए गए हैं, जिस कारण यह हादसा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कावड़ियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। पुलिस ने कावड़ियों को कार चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन कावड़ियों ने उनके आश्वासन पर भी जाम नहीं खोला। वाहन चालकों को जाम से बचाने के लिए पुलिस ने वाहनों को जटलाना रोड से रवाना किया। मौके पर मौजूद कावड़ियों ने बताया कि जब वह SK रोड पर गांव धोलरा से गुजर रहे थे तो एक कार चालक ने तेज गति से चलते हुए कावड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने दुर्घटना के बाद कार चालक को मौके से भगा दिया, जिसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। और आपको यहाँ से दिखाई जा रही है लाइव तस्वीरें, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर घटना घटी है और कावड़िए एक कावड़िए के साथ यहाँ पर दुर्घटना में घायल हुआ है। उसके बाद कावड़ियों ने एक कार में आग पीछे भाई।
वहाँ का नंबर दे दे।